सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम, हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी फ्रेंच टोस्ट जो कि बिल्कुल सीज़न के मुताबिक है। ये देखिए आजकल बहुत सीज़न है स्ट्रॉबेरी का, और जब भी स्ट्रॉबेरी का सीज़न हो इससे डिफरेंट हम डिशेज बना सकते हैं, मिल्क शेक के साथ इसको बना सकते हैं। अच्छा, अब मैंने स्ट्रॉबेरी फ्रेंच टोस्ट कैसे बनाने हैं ये मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए मैंने लेनी है ये स्ट्रॉबेरी ली है, ये 6-7 हमने स्ट्रॉबेरी लिया है। अच्छे से हमने इसको ये बिल्कुल ऊपर से रिमूव कर देना है, ग्रीन इसके जो पत्ते हैं ये रिमूव करके फिर हमने इसको आधा कप पानी डालकर बॉईल करना है। चीनी हमें चाहिए ये 1 टेबल स्पून, मैदा हमें चाहिए ये 2 टेबल स्पून, दूध हमने लेना है 1/2 कप, छोटा कप इतना बड़ा लें उसका 1/2 कप ले लें या जितना हमें ज़रूरत होगी हम लेंगे। 2 हमें चाहिए ये अंडे, और हमने ये 5-6 स्लाइस लिए हैं ब्रेड के, बड़े स्लाइस लेने हैं, बहुत छोटे नहीं लेने। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसमें अंडों में चीनी ऐड करनी है और ये दूध ऐड करना है। हम थोड़ा अभी दूध ऐड करेंगे ताकि हम देख लें कि ये बहुत ज़्यादा उसका मिक्सचर जो है वो थोड़ा ठीक सा बने, बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए। इसको विस्क से हमने अच्छी तरह से बीट कर लेना है ताकि चीनी इसमें और दूध अच्छा सा मिक्स हो जाए। ये हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमने क्या करना है कि स्ट्रॉबेरी को 1/2 कप पानी में हमने बॉयल करना है, और फिर जब ये बॉयल होके बिल्कुल नरम हो जाएगी तो फिर हम इसमें ये मैदा ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से इसका एक मिक्सचर सा बना लेंगे और फिर हम इसको इसमें ऐड करेंगे। अब हम क्या करते हैं कि इसके ये रिमूव कर देते हैं सारे, और इस ये देखिए स्ट्रॉबेरी को मैंने पानी में बॉयल कर दिया और उसमें मैंने 2 टेबल स्पून जो मैदा था वो ऐड कर दिया। अब ये बिल्कुल अच्छा सा एक मिक्सचर बन गया है हमारा, मैदा और स्ट्रॉबेरी बिल्कुल बॉयल करके हमने इतनी सॉफ्ट कर ली थी कि ये मैश हो गई अच्छे से। अब इसे बस ठंडा करेंगे और अपने अंडों के मिक्सचर में इसको ऐड करेंगे। ये स्ट्रॉबेरी और मैदे का जो मिक्सचर हमने बनाया था अब हम इसको अंडों के मिक्सचर में ऐड करेंगे। अब हम इसको इतना अच्छे से मिक्स करेंगे कि ये बिल्कुल अंडे और स्ट्रॉबेरी का जो मिक्सचर है ये बिल्कुल सही सा मिक्स हो जाए। ये मैंने अच्छा सा इसको अंडों के साथ मिक्स कर लिया है स्ट्रॉबेरी के मिक्सचर को। अब हमने क्या करना है, अच्छा ये एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप चाहें तो ये इसकी स्लाइस की साइड्स आप कट कर दें, अदरवाइज ये इस तरह से भी बना सकते हैं। अब हमने इसको बिल्कुल अच्छा सा इसमें डिप करना है। और एक प्लेट में रखते जाना है। हमने सारा इसी तरह से ये टोस्ट में डिप करने हैं इसमें। ये देखिए मैंने 5 इस तरह से उसमें डिप करके खूब अच्छे से इसको मैंने रख लिया है, और ये फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया। आप इसको ऑयल में भी और बना सकते हैं, इसको घी में भी बना सकते हैं, जिसमें आप लाइक करते हैं आप उसमें बनाएं। अब हमने इन स्लाइस को अच्छे से बिल्कुल लाइट से आराम से ऐड करना है ताकि ये टूटे ना एक टाइम में, हमारे दो बन जाएंगे इस फ्राई पैन में। अगर फ्राई पैन आपके पास बड़ा है तो उसमें आप 3-4 भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए हम पहले इसके देखेंगे अच्छे से, एक साइड हो जाएगी लाइट ब्राउन सी, फिर हम दूसरी साइड से इसको फ्राई करेंगे। थोड़ा सा हम फ्लेम मोड थोड़ा सा तेज कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको नहीं करना, ये जले ना, लाइट हाइट से गोल्डन हो। थोड़ा सा इसको चेक कर लेते हैं हो रहा है, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं स्ट्रॉबेरी के साथ। आप ज़रूर ये इसी तरह से बनाएं।
देखिए बिल्कुल अच्छा से अच्छा कलर हो गया, कितना प्यारा सा। बस इसी तरह से हमने ये सारे फ्राई करने। ये देखिए हमारे स्ट्रॉबेरी फ्रेंच टोस्ट बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। ये आप भी बनाइएगा ज़रूर। सीज़न के हिसाब से स्ट्रॉबेरी आई हुई है, जाहिर सी बात है इस सीज़न में आती है। जब भी ये स्ट्रॉबेरी आए आप मुख्तलिफ जो है वो ज़रूर बनाते हैं डिशेज़ या मिल्क शेक। ये मैंने साथ बनाया है स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। 5-6 मैंने स्ट्रॉबेरी लिया है और 1 कप दूध के साथ मैंने इसको ब्लेंड किया है। 1-2 चम्मच चीनी डाला है और ऊपर से मैंने इसको क्रीम से डेकोरेट किया है। इसको भी आप क्रीम से, फ्रेश क्रीम से डेकोरेट करें और इसके साथ सर्व करें ये। या अगर आप ब्रेकफास्ट में सर्व करें या शाम में अगर सर्व करते हैं तो साथ चाय भी सर्व कर सकते हैं। अदरवाइज आप मिल्क शेक के साथ, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक के साथ इसको सर्व करें। बहुत ही टेस्टी ये आपको लगेगा और इंशाल्लाह ज़रूर नई नई रेसिपी के साथ आपसे मिलती रहती हूँ और मिलती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।